सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और मैं थोड़ा एडिट करने के लिए ही बैठी थी. और यस, मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने वॉल्यूम का पूछा था, तो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आए थे कि वॉल्यूम वीडियो का कम है. सो मेरा लास्ट कुछ यू नो हॉल वीडियो गया तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई. सो थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए. तो मैंने ना उस टाइम पे काफी फ्रेंड्स को पूछा, जो मेरे यूट्यूब में फ्रेंड्स हैं उनको भी और काफी फ्रेंड्स को, दे वर लाइक कि वॉल्यूम इज एब्सोल्युटली फाइन. आई डोंट नो ऐसा क्यों, मतलब आप में से कुछ फ्रेंड्स को ऐसा फील हो रहा है. एक तो जो यूट्यूब होता है ना, उसके वीडियो के नीचे एक आपने देखना स्पीकर का बटन होता है, तो काफी बार वो कम होता है, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के देखो. बाकी आई हैव वर्कड ऑन दिस, मैंने वॉल्यूम ऑब्वियसली आपके फीडबैक पे बढ़ा दिया है. सो लेट मी नो अब जो वीडियोज आ रहे हैं उनमें, ये जो वीडियो स्पेसिफिकली आप ये वीडियो चेक करके लेट मी नो कि अब वॉल्यूम ठीक है क्या, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रेजिंग माय वॉल्यूम. एंड लेट मी नो वॉल्यूम बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है कि नहीं है. सो आई वुड वर्क ऑन दैट फीडबैक एज वेल. तो अभी के लिए आई हैव केप्ट द वॉल्यूम वेरी हाई. सो यहाँ पे ली है ये सब सब्जियां, सबको चॉप करेंगे. प्याज को पहले फ्राई करेंगे, फिर एक एक करके सब सब्जियां डाल के फ्राई करके, देन जो बताने बनाते हैं ना नॉर्मल आपका वेज पुलाव वैसा ही कुछ बनाऊंगी. बस मटर नहीं है, मैं मटर लाना भूल गई. हल्का सा तेल लिया है, इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी. आप चाहो तो पूरा घी में बना सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. हींग और जीरा. और आपने जो कल देखा शॉर्ट, वो अनिना को मैं हॉस्पिटल लेके गई थी. सुभाष गए हैं ऑफिस की तरफ से भंडारधारा घूमने के लिए. भंडारधारा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जिसको भी बोलो वही बोलता बहुत सुंदर है. तो ही हैज गॉन. और जब भी सुभाष जाते हैं, अनन्या मेक श्योर करती है कि मैं उसको लेके भागूं हॉस्पिटल, है ना. पापा को नहीं भगाती, मम्मा को भगाती है. सो कल डॉक्टर को दिखा के लाए तो ऑब्वियसली कंजंक्टिवाइटिस ही था उसके साथ में. स्कूल में क्लास में जो पार्टनर बैठता है उसको था कंजंक्टिवाइटिस. तो मैं आपको ब्लॉग में बोल ही रही थी कि शायद यू नो इवेंचुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा. तो उसको डॉक्टर को दिखा के लाई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो माइल्ड था उसका, क्योंकि कल स्कूल से आई तो मुझे एक आंख उसकी छोटी दिखी. रेडनेस नहीं आई थी उसकी आंख में, बट एक आंख उसकी छोटी थी एंड वाटर और वो जो सेक्रेशन होता है ना वो मुझे दिखना स्टार्ट हो गया था. सो आई वॉज श्योर, तो मैंने शाम का ही अपॉइंटमेंट ले लिया. जो उसका रेगुलर डॉक्टर है उनका वो नहीं अवेलेबल थी, तो मैंने जो भी पीडियाट्रिशियन था दूसरे हॉस्पिटल में जाके आई वॉज लाइक एटलीस्ट उसकी दवाई स्टार्ट हो जाए, बिकॉज एक बार ज्यादा हो जाता है ना तो वहाँ के बहुत ज्यादा हर्ट करना स्टार्ट कर देती है. तो मैं शाम को इमीजिएटली लेके जाके दिखा के लाई तो दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने. और अन्या को बोला है कि मम्मा से हाथ वात लगा के मम्मा की आंखों में मत लगाना, है ना. बट अन्या कहा, अन्या विल मेक श्योर कि मम्मा को भी हो जाए ऐसा. चलो जोक्स अपार्ट, सेम दवाई तो मिलेगी. हाँ, मैं डॉक्टर को इसलिए पूछ के भी आई कि भाई अगर इनकेस मुझे होता आई कैन यूज दिस मेडिसिन, है तो उन्होंने बोला आप सेम मेडिसिन यूज कर सकते हो. बिकॉज ऑब्वियसली ना बच्चा घर में है तो आप कैसे उससे दूर रहोगे, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो अनन्या तो ट्राई कर रही है बट देन कैसे ना. तो एनीवेज चलो जो भी है जैसा भी है. सो वेलकम बैक फ्रेंड्स. इसी के साथ तो कंजंक्टिवाइटिस हमारे घर में भी स्टार्ट हो गया है, काफी जगह हो रहा है. जिसको देखो उसके घर में है, तो इट हैज बिकम वेरी बहुत ज्यादा इस मानसून सीजन में आई थिंक काफी रैम्पेंट है इस बार कंजंक्टिवाइटिस. बट ठीक है, इट इज वेरी क्योरेबल. एक दो दिन में डॉक्टर ने बोला अनन्या का भी एक दो दिन में ठीक हो जाएगा. सो यस, चलो इसी के साथ वेलकम. सो लेट्स सी मैं कब तक बची रहती हूँ अनन्या से, है. सब्जियां फ्राई होने पे ही सारे मसाले जो हैं वो डाल देंगे. मैंने इसमें वो डाला था कॉर्न्स, पर कॉर्न्स मुझे लग रहा है थोड़े स्मेली हो गए हैं, लेकिन लाइट आ जा रही थी ना क्योंकि फ्रीजर में ही रखा था, बट स्मेल सी आ रही थी. मैंने कॉर्न्स निकाल दिए, डाल चुकी थी, फिर वापस चुन चुन के उनको निकाला. पॉइंट इसमें मैं टमाटर भी डाल दूंगी. सो मच बेटर नाउ. पेन नहीं है ना अनन्या को, बट यहाँ कभी भी स्वेलिंग और रेड है और दूसरी भी रेड हो गई है. सो लेट्स सी कैसा रहता है, दवाई डाल रहे हैं पर पेन कम हो गया ना जो कल पेन था. तो चावल को डाल देंगे, चावल डाल के चावल को भी थोड़ा सा ना हिला लेंगे और उसके बाद पानी डाल के जैसे नॉर्मल राइस बनाते हैं वैसे बना लेंगे. सारा धनिया पत्ता डाला है, मस्त वाली फ्लेवरिंग आएगी. चाट मसाला, सो आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस राइट नाउ. काफी बार क्या होता है ना, सन के आपका जो एक्सपोजर है उसकी वजह से, एक्नेस की वजह से फेस पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन रहता है, जो स्किन टोन है ना अनइवन सा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो आपका स्किन है फेस है डल दिखने लग जाता है. और स्किन केयर में फेस वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको काफी लोग
आई थिंक इग्नोर करते हैं, वी शुड नॉट इग्नोर. सो फेस वॉश में आप क्या यूज करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं यूज कर रही हूँ अभी मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिश फेस वॉश. तो इसमें है आपका नेचुरल गुडनेस ऑफ मलबरी. सो मलबरी के साथ साथ इसमें है विटामिन सी. तो मलबरी आपका ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है और जो विटामिन सी होता है वो इवन स्किन टोन लेके आता है. बेस्ट पार्ट इज दैट ये बहुत जेंटली क्लेंस करता है, जो सारे डेड सेल्स है उसको निकालता है, एक्सफोलिएट करता है. इसको ओवर द टाइम अगर आप यूज करते हो तो आप देखोगे आपके सारे जो ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, आपका स्किन टोन इवन होता है, एंड यू कैन ऑल्सो सी अ ग्लो इन द स्किन. सो फ्रेंड्स, फेस वॉश हो गया, उसके बाद आई एम यूजिंग दिस बाय बाय ब्लेमिश फेस सीरम फ्रॉम द सेम रेंज. इसमें भी आपका मलबरी और विटामिन सी है विद द सेम बेनिफिट्स. सो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, आप डेफिनेटली यू नो गिव इट अ ट्राई. सो सीरम हमेशा फेस वॉश के बाद लगाना होता है. सो एम गोइंग टू अप्लाई दिस, यू कैन सी. सो ओवर द टाइम अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प योर स्किन अ लॉट. सो लाइक दिस यू हैव टू अप्लाई और नेक पे भी. सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये अवेलेबल है आपका मामा अर्थ के वेबसाइट पे, मामा अर्थ के ऐप पे भी है. ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली उसको डाउनलोड कर लेना, बिकॉज सारे जो डिस्काउंट्स हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं वहां पे पहले आ जाते हैं. और यहां से अगर आप लेते हो मामा अर्थ के ऐप या वेबसाइट से तो मेरा कोड यूज कर लेना, मानसी 2023, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हो मामा अर्थ का, एनी प्रोडक्ट. तो इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल और नायका के साइट पे भी, उनके भी लिंक्स रहेंगे डायरेक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और सारे प्रोडक्ट्स मामा अर्थ के जो होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, उनमें केमिकल्स नहीं होता है. और बेस्ट पार्ट अबाउट मामा अर्थ इज दैट यू नो जब भी आप कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उनके वेबसाइट से दे लिंक दैट प्रोडक्ट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. अपना खुद का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, तो लेट अस सपोर्ट दिस. और यस, अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो मामा अर्थ के स्टोर्स अब तो आपको हर जगह ही दिखने लग गए होंगे. सो काफी सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेजेस भी आए हैं, मुझे भी दिखे हैं काफी जगह. सो इनकेस आपको नया नया कहीं दिखता, अभी तक नहीं देखा, कहीं देखते हो तो डेफिनेटली कमेंट एंड लेट मी नो. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worry. डांस देखो अनन्या का. ट्रेंडिंग चल रहा है. ये कौन सा ट्रेंडिंग है? सुपर शाइन न्यू जींस का. कलर भी पिंक. और ये ना थोड़ा सा ना और जमने दो, ये थोड़ा सा मेल्ट है, दिख कितना मस्त रहा इसका कलर देखो, पर्पल एंड पिंक. अब इसको और जमने दो, बिल्कुल सॉफ्ट है. चलो अनन्या ने आपकी तरफ से खा लिया. बाबू इसको कलर देख के ही इतना अमेजिंग लग रहा है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस कलर. अनन्या कोन में लेगी ना, कोन में तो कलर पता नहीं चलता है, कितना प्यारा कलर है. अनन्या क्योंकि रहा नहीं गया इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल लिया है, बाकी मैं जमने को रखा है. नॉट बैड, मुझे तो नेचुरल्स का ही अच्छा लगता है. नेचुरल्स का कोकोनट और वो सीताफल कस्टर्ड एप्पल वाला. सो लंच वगैरह सब हो गया. अब सोने से पहले ना मैं कानों में ऑइंटमेंट लगाने वाली हूँ. तो कल मैं अनन्या को लेके गई थी ना दिखाने के लिए, तो लकीली स्किन स्पेशलिस्ट भी वहीं पे थे, मैंने उनका भी अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे ले लिया और दिखा के आई मैं. तो एक ये क्रीम दिया है उन्होंने लगाने के लिए और एक खाने के लिए दिया है. सो बेसिकली इसको अप्लाई करना है, आप देख सकते हो मैं दिखाऊंगी नहीं, एटली भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा. सो इसको अप्लाई करने को बोला है बिकॉज वो कम नहीं हो रहा था. और आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ मेडिसिन के नेम्स भी रिकमेंड किए और वही बोला कि गोल्ड पहनना स्टार्ट करो. तो रीजन जो डॉक्टर ने बोला वो था कि एलर्जी लग रहा है उनको ज्यादा, क्योंकि ये जो मेटल उन्होंने लगाया था ना वाइल्ड पियर्सिंग, तो उन्होंने बोला कि शायद उससे एलर्जिक रिएक्शन हल्की सी हुई है. मेटल डिड नॉट सूट यू, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज इससे पहले मैंने कभी इस मेटल का, दिस इज सम स्टेराइल स्टील या कुछ तो उन्होंने लगाया था, इस मेटल का कुछ भी मैंने आज तक नहीं पहना है. और मैंने सब तरह की इयररिंग्स डाले हैं, मेरे को कभी कान में कभी भी कुछ इशू नहीं हुआ है मेरे पियर्सिंग में, जो पहले वाला है ना कभी भी. तो दिस इज समथिंग स्टेराइल मेटल जो मैंने पहली बार लगाया, तो शायद वही रीजन होगा. तो उन्होंने मुझे निकालने को कुछ नहीं बोला और मैं पूछना भी भूल गई, आई एम नॉट श्योर. तो अभी सुभाष आते हैं ना तो मैं उनको पूछ के देन आई विल सी कि इसको निकाल के फिर जो गोल्ड इयरिंग है ना वैसा कुछ पहनूं. सो लेट्स सी कैसा रहता. अभी फिलहाल तो जो मेडिसिन दिए हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं. सो थैंक यू आप सबके सजेशन की वजह से भी. सो मैंने फाइनली दिखाई लिया था कल भी. क्या बोला अनन्या ने, अपनी तारीफ तो अनन्या इतना कर सकती है.
कहती सब लोग मुझे ऐसे कमेंट करके बोलेंगे, और नहीं भी बोलेंगे तब तो बोल दिया तो बोलना ही पड़ेगा सबको। हाँ कि अरे सच हैप्पी सोल, इतनी तकलीफ हो रही है, कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, लेकिन फिर भी खुश है लड़कियाँ। क्यों नहीं खुश होगी, मम्मा है ना तकलीफ लेने के लिए, तुमको किस चीज की टेंशन। आंखों में डाल दिया, इट इज सो टफ टू सी योर किड्स लाइक दिस। होपफुली जल्दी ठीक हो जाए, मैं इमीजिएटली लेके गई कल ताकि इसको पेन ना हो उतना, अदरवाइज कंजंक्टिवाइटिस का पेन इज वेरी बैड। आप और बेटी के सेम शौक है, स्कूप निकालना है स्कूपर से, निकल जाएगा थोड़ा सॉफ्ट है। मैंने को बोला था थोड़ी देर में करना करके, तो थोड़ी देर तो अनन्या का ऑप्शन था, नॉट बैड, थोड़ी देर मतलब 2 मिनट में अनन्या बोलती मम्मा जम गया जम गया। मैंने कहा तू खा ले, तेरे को शांति नहीं मिलेगी जब तक खाएगी नहीं। हाँ डाल लो पूरा आइसक्रीम, पूरा आइसक्रीम का बोले निकाल के डाल लो स्कूप कर करके, है ना अनन्या, प्रेस करो उसको। वाह वाह, ओहो हो मजा आ गया स्कूप देख के। काफी सारे कपड़े आज हैंड वॉश करके ही मुझे और निचोड़ना पड़ा, मुझे ना कपड़े निचोड़ने में बड़ा वो होता है, कंटाल आता है। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जो हैंड वॉश वाले कपड़े होते हैं ना हाथ से धो के मशीन में चला लेती हूँ, ड्रायर में लगा लेती हूँ, तो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं और हल्के कपड़े हाथ से धुल जाते हैं। बट मेरा जो पॉइंट है ना, जहाँ पे डिश वॉशर का और जो वॉशिंग मशीन है बाहर ही रखा है ड्राई बालकनी में, तो डिश वॉशर का जो प्लग पॉइंट है, रुको दिखा दर, आप अगर दिखाऊँ आपको ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से देखो ये निकल ही नहीं रहा है, खींचने पर भी नहीं निकल रहा। उसका जो पिन है ना प्लग का पिन, उसका ऊपर का पार्ट, इसका जो होल है ना इसके प्लग पॉइंट के अंदर ही रह गया है। तो ये हल्का हल्का अगर मैं निकालने का ट्राई करूँ, ये देखो ये आधा निकल रहा है आधा अंदर ही रह गया। सो मैं इसका चांस नहीं ले रही हूँ, बिकॉज डिश वॉशर इज मोर इम्पॉर्टेंट, कपड़े फिर भी थोड़े बहुत हाथ से कर लेंगे। तक डिश वॉशर वाले को बुला के वो ठीक ना करवाए ना, तब तक ऐसा हाथ से ही कपड़े वॉश करके ड्रायर में डालना बेटर है, बिकॉज सुभाष भी है नहीं। तो चलो कपड़े डाल देती हूँ, लंच काफी लेट हो रहा था, पहले मैंने कहा सुबह अनन्या को चलो लंच कर लेते हैं फिर बाकी काम करेंगे, फिर कपड़े डाल के फिर आराम से लेटूंगी, थोड़ी हवा लग जाएगी, एटलीस्ट जो मोटा मोटा पानी है ना वो ड्रेन हो जाएगा। ड्रायर का ये फायदा होता है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बिकॉज मोटा मोटा पानी निकल जाता है, समझ गए ना, मोटा मोटा पानी। सारे कपड़े डाल दिए, ऑल वर्क डन, अभी मैं आराम से सो सकती हूँ। मुझे ना ये जो कपड़ों का स्टैंड है यहाँ पे ये वाला, इसके बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैं इसका जो लिंक है वो शेयर करूँ, बट देन ये जो स्टैंड है ना ये मैंने लिया था जो लोकल स्टोर होते हैं ना वहां से लिया था, 4-5 साल आई गेस हो गए हैं, बहुत अच्छा चला है। थोड़ा बहुत ऊपर से मैंने बांध रखा है उसको, सुभाष का बस चलता तो पहले निकाल देता, बट मुझे ना बिल्कुल एप्ट साइज एप्ट है, बिल्कुल घर के अंदर बाहर करने के लिए भी। सो मैंने स्टोर से लिया था, तो लिंक तो नहीं है, बट इन केस रैंडमली कहीं पे मुझे दिख जाए ना कुछ शॉपिंग वगैरह करते हुए, तो डेफिनेटली आई विल शेयर। सो अभी फिलहाल आई डोंट हैव अ लिंक। मेरी कुर्तियां भी कुछ ऑल्टर होके आ गई हैं, तो मैंने ऑल्टरेशन के लिए जो अपना हॉल में दिखाया था ना सारा अपना, तो वो ना पहले मैं क्या करती थी, ऑल्टरेशन करवाने के बाद हॉल शेयर करती थी, बट देन साइज आप लोगों को पता नहीं चलता था, इसलिए व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ इज पहले मैं दिखा देती हूँ हॉल में, उसके बाद आई गेट इट ऑल्टर्ड, तो प्रॉपर आपको साइज वगैरह पता लग जाता है। तो कुछ ऑल्टर जो हो गए हैं सारी एक साथ, क्योंकि काफी सारे सूट होते हैं ना, तो ऑल्टरेशंस में टाइम लगता है और उनके पास डिमांड भी काफी रहता है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो जो जो होते रहते हैं ना मुझे मैसेज डालती रहती हैं, तो 2-3 सूट हो गए। फ्रेंड्स चीयर्स शाम के चाय के साथ, और अनन्या के यहाँ पे हो रही है पढ़ाई। सो अनन्या को मैं बोल रही थी ना वो क्या अनन्या कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो ये खराब है ना, तो अनन्या क्या बोलती कि तो बहुत अच्छी बात है मुझे स्कूल नहीं जाना हुआ, स्कूल के उसको छुट्टी कराया हुआ है ना मैंने, तो वो ये बच्चों का ऐसा है कि खुशी ढूंढ लेते हैं हर चीज में, दुख में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, तो बच्चे जैसा ही होना चाहिए। तो मैंने कमेंट बनाया एक, कौन सा कमेंट, वो शी इज सच अ हैप्पी सोल। मतलब बच्चों से हमको सीखना चाहिए कैसे आज में जीना चाहिए, मतलब जो है आज है दैट इज गुड, आई मीन कल के बारे में क्या पता नहीं अनन्या, कितना भी दुख हो कुछ भी हो दे आर ऑलवेज हैप्पी, दिख भी नहीं रहा आपका आधे दिख रहे सच्ची, ये इनसे सीखो, देखो आंखें दोनों लाल हो रखी हैं फिर भी कितनी खुश है, बच्चा जैसे ही होना चाहिए। चलो अभी बैठ के होमवर्क कर लो अपना, स्कूल में जो भी काम आया था सब नोट्स से मंगाया हुआ है, तो इन नोट्स फिनिश करिए अभी अनन्या घर में बैठ के, ये फायदा हो गया आजकल ऑनलाइन होने का कि सब नोट्स एटलीस्ट पेंडिंग नहीं होते घर में, कंप्लीट हो जाते हैं। बस बस हो गया करो करो करो। चलो शाम का चाय वाय हो गया, अनन्या को थोड़ा पढ़ा लिया है, अभी मुझे एक कुर्ता हॉल वीडियो शूट करना है, सो वही करने वाली हूँ।
सो मेरे चैनल पे ना हॉल वीडियोस मैंने डालने स्टार्ट किए हैं, तो पहले मैं अपने व्लॉग में ही वो डाल देती थी, बट तब मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते थे कि आप ट्राई ऑन, क्योंकि पहन के नहीं दिखा सकते ना, अभी हॉल में पहन के दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाता है हॉल, तो आई डिसाइडेड कि जब भी हॉल मतलब ऐसा मैं परचेजेस दिखाऊंगी तो आई विल डू अ ट्राई ऑन सेपरेट वीडियो, तो इससे काफी फायदा हो जाएगा, मैं ज्यादा डिटेल में उसके बारे में दिखा पाऊंगी। सो वही रीजन है कि आई स्टार्टेड यू नो शोइंग सेपरेट हॉल वीडियोस। सो आप में से काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है और कुछ लोग मेरे व्लॉग्स को मिस करते हो, तो यार मेहनत सब में जाती है, इसमें भी प्यार दे दो, इसमें भी प्यार दे दो, व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे, हॉल वीडियोस भी मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ही आई हैव स्टार्टेड, एंड आप लोग प्यार भी दे रहे हो काफी, हम लोगों को पसंद भी आ रहा है मेरे स्टाइल, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सरसों के तेल में डाल रही हूँ हींग, हरी मिर्च, जीरा, साबुत जीरा और करी पत्ता, प्याज। सो अनियंस में देखो इस हिसाब से ऐसी ब्राउनिंग आ गई है, तो इतना ही फ्राई करना है हमको, अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन कुटी हुई, उसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे, बारीक चॉप टमेटो अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको भी। हल्दी, धनिया पाउडर सा गरम मसाला, फ्रेश कोकोनट। सो कोकोनट को जैसे मसाला फ्राई करते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। फिर हमने इसमें प्रॉन्स डाल दिया है, और प्रॉन्स को थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक उसमें थोड़ा सा पानी छोड़े, फिर हल्का सा पानी चाहो तो उसमें डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ग्रेवी कैसी चाहिए। और प्रॉन्स को कभी भी ओवर कुक मत करना, अदरवाइज ना बहुत च्यूई हो जाता है, सो बहुत कम कुकिंग में ही ये बन जाता है, तो ये दिस इज डन। चलो हमारा प्रॉन्स भी बन गया है, दोपहर को ना पुलाव जो बनाया था थोड़ा पड़ा हुआ था, वरना ना मेरा खाने का मन था ना अनन्या का, मन था चलो फटाफट शाम को वो ऑर्डर कर दिया था प्रॉन्स की, प्रॉन्स खाते हैं, प्रॉन्स खाने का मन कर रहा था, सो इसके साथ बनाएंगे, थोड़ा थिक वैसा रखा है ड्राई ड्राई से, बिकॉज साथ में हम लोग पराठे बनाने वाले हैं। Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. सो ये सब हॉल वर्क वगैरह बन गया है, अब इनको सेट करूंगी बिकॉज अभी ऑल्टरेशन के लिए देने हैं ये सब के सब, सभी सबको बैठ के फोल्ड करना है। फ्रेंड्स डिनर वगैरह सब हो गया है, अभी मैं करूंगी थोड़ा एडिट, थोड़ा करके एडिट करके रख लो ना तो हो जाता है। सो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एक तो अन्य मेरे रबर बैंड्स खा रहे हैं, मुझे एक भी नहीं मिलता है, सब इधर उधर, यहीं पे एंड करती हूँ। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड गुड नाइट एंड गुड बाय।